हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं आज एक प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन पॉजिटिव नंबर्स विद टू बिट्स सेट। इसका एक लॉजिक से मैं प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुका हूं, ये दूसरे लॉजिक से मैं आज इस प्रोग्राम को बनाने जा रहा हूं। तो आइए पहले तो हम एक बार समझ लेते हैं कि हो सकता है आपने पहला लॉजिक ना देखा हो, तो पहले हम एक बार समझ लें कि इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है। तो बेसिकली हमें एन नंबर्स, एन पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट एन पॉजिटिव नंबर प्रिंट कराने, फर्स्ट एन पॉजिटिव नंबर्स प्रिंट कराने। लेकिन ये एन नंबर्स कौन से होंगे? एन एन की वैल्यू यूजर एंटर करेगा, तो यूजर ने बोला 5, तो मुझे पहले 5 पॉजिटिव नंबर्स प्रिंट कराने। अब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, है ना, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। पर ये मुझे ये सारे नहीं प्रिंट कराने, उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वही नंबर प्रिंट कराने हैं जिसके बाइनरी में दो ही बिट्स सेट है। अच्छा, बिट सेट होने का मतलब क्या है? बिट्स अगर सेट हैं तो इसका मतलब है 1 सेट नहीं है, नॉट सेट, ठीक है, तो इसका मतलब है 0। तो हर वो नंबर जिसका बाइनरी में एग्जैक्टली दो ही 1 होते हैं, वो नंबर हमें प्रिंट कराना है। लेकिन शुरुआत से हम चेक करना चालू करेंगे, तो हम सबसे पहले 1 का बाइनरी करते हैं। 1 का बाइनरी क्या होगा? तो ये 1 का बाइनरी होगा। 2 का बाइनरी क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, ये 2 का बाइनरी हो गया। 3 का बाइनरी क्या होगा? ये मैंने 3 का बाइनरी लिख दिया। इसी तरीके से 4 का बाइनरी क्या होगा? ये मैंने 4 का बाइनरी लिख दिया। 5 का बाइनरी क्या होगा? 101। अब जरा देखिए, ये जो पहला वाला नंबर है इसमें कितने 1 आ रहे हैं, इसके बाइनरी में कितने 1 आ रहे हैं? 1 ही आ रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। फिर दूसरे वाले नंबर में देखिए, इसमें कितने 1 आ रहे हैं, इसमें भी 1 ही 1 आ रहा है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तीसरा नंबर देखिए, 3 का बाइनरी क्या है, इसमें एग्जैक्टली 2 1 आ रहे हैं, तो ये हमारे काम का है। यानी हमें वो नंबर कंसिडर करने हैं जो 2 1 कंटेन करते हैं एग्जैक्टली। जैसे अब 4 है, 4 के बाइनरी में 1 ही 1 आ रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन 5 के बाइनरी में 2 1 आ रहे हैं, तो ये हमारे काम का है। 6 की बात करें तो 6 में 110, यस 2 1 आ रहे हैं, तो ये भी हमारे काम का है। 7 में, 7 में कितने 1 आ रहे हैं? 3 1 आ रहे हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। एग्जैक्टली 2 1 आने चाहिए। तो सबसे पहला छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है जिसमें 2 1 आ रहे हैं? 3। उसके बाद कौन सा है? 3 के बाद कौन सा है? 5। 5 के बाद कौन सा है? 6। ऐसे आप प्रिंट करते जाइए। कितने प्रिंट करने हैं आपको? n प्रिंट करने। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो आंसर क्या होगा? 3, 5, 6। 7 तो नहीं है, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, 10 होगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर n की वैल्यू यूजर ने एंटर करी होती 10, तो ये 10 नंबर्स मुझे प्रिंट कराने पड़ते। तो क्या होते? 3, 5, 6, 9, 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13 तो ज़्यादा हो जाता, 14, 15 भी नहीं होता, 16 भी नहीं होता, 17 होता, 17 के बाद 18 भी होता, है ना, 18 के बाद कौन सा होता, 18 यानी 20 भी होगा, 20 के बाद 24 होगा, ठीक है, ओके। तो ये कितने हो गए? ये हो गए हैं 10। तो ये 10 नंबर्स अपन ने प्रिंट करा लिए। अब ये करना कैसे है, इसका मुझे लॉजिक बना के आपको बताना है। एक लॉजिक से हम ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुके हैं, अब दूसरे लॉजिक से हम लोग प्रोग्राम आज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यूजर से एक नंबर एंटर करवाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन की बॉडी, इसके अंदर एक वेरिएबल एन लिया, यूजर को एक मैसेज देते हैं एंटर अ नंबर, और यूजर ने जो नंबर एंटर किया स्कैनफ की मदद से हम उसे एंटर करवा लेंगे एन वेरिएबल में। अब एन के अंदर वो नंबर रखा हुआ है जितने हमें प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका लॉजिक हम बना रहे हैं, तो लॉजिक क्या है पहले उसको समझते हैं। अच्छा, आपको मालूम है बाइनरी नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं, है ना। जैसे आप 2 की पावर्स लिख लीजिए पहले, तो 2 की पावर्स क्या है? 2 की पावर 0, 2
टू की पावर वन, देन टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, ठीक है, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स एंड टू की पावर सेवन. अभी एट बिट मैंने लिख लिया. अच्छा, टू की पावर जीरो कितना होता है, इसको भी देख लीजिए, वन. टू की पावर वन कितना होता है, टू, देन फोर, एट, सिक्सटीन, ठीक है, थर्टी टू, देन सिक्सटी फोर, वन ट्वेंटी एट, ठीक. अच्छा, अब मुझे कोई भी बाइनरी नंबर बनाना है जिसमें दो बिट वन, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होगी, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसमें दो वन, तो वो क्या हो गया, ये सब जीरो और आखिरी के दोनों वन, तो ये टू प्लस वन कितना हुआ, थ्री. तो यस, थ्री. जिस जिस पे वन है ना, वो नंबर्स को आप ऐड करिए. जैसे वन मैंने कहा लिखा है, टू की पावर वन पे और टू की पावर जीरो पे, तो ये वन और टू को ऐड कर दीजिए, तो ये नंबर बन गया थ्री. इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो होगा जीरो 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 वन जीरो वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइव. तो इस तरीके से हम लोग नंबर बनाते चलेंगे. फिर ये दोनों को वन कर दीजिए, बाकी सबको जीरो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स, ठीक. अगला नंबर कौन सा ले लें, दो वन करने हैं आपको, तो एक वन तो इधर रख लीजिए और एक वन यहां रख लीजिए, तो ये वाला नंबर भी बन जाएगा. तो ये नंबर कौन सा हो गया, ये नंबर हो जाएगा नाइन, ठीक है. आप सिंपली देखिए वन कहाँ लिखा है, एट के नीचे, तो एट, और ये वन कहाँ लिखा है, वन के नीचे, तो एट प्लस वन कितना हो जाता है, नाइन. तो इस तरीके से मैं चलाना चाहता हूँ. तो लॉजिक आपको कुछ समझ में आया, चलिए इसको और तरीके से समझते हैं. मैं एक लूप लगाऊंगा जिसमें आई की वैल्यू टू से स्टार्ट करूंगा, और आई की वैल्यू टू के बाद फिर मैं ले लूंगा फोर, फिर मैं ले लूंगा एट, यानी टू के मल्टीपल्स में चलते जाएंगे, फिर 16 हो जाएगा. इस तरीके से आगे बढ़ूंगा, और फिर मैं एक जे वाला लूप भी लूंगा जिसकी वैल्यू वन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और ये भी टू की पावर्स में आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है. पर कहां तक बढ़ेगा, ये बढ़ेगा आई से कम तक, मतलब जे आई से कम तक रहना चाहिए. तो अब जरा सोचिए, इस तरीके से मैं लूप चला रहा हूं और आई प्लस जे की वैल्यू में प्रिंट कराता चलूंगा, सिंपल हो गया, आई प्लस जे की वैल्यू में प्रिंट कराता चलूंगा. जैसे इनिशियली आई की वैल्यू कितनी है, टू है, ठीक, आई और जे, आई की वैल्यू कितनी है, टू है, ओके. अब देखिए जे की वैल्यू जो कि आई से छोटी है, मतलब मैंने आई की वैल्यू टू ली है ना, तो जे की अब वो वैल्यूज ले सकता हूं जो आई से छोटी हैं और टू की पावर्स में है, यानी वन टू फोर एट सिक्सटीन, ये टू की पावर्स है ना, वन से स्टार्ट होते हुए. तो जे की वैल्यू वन ले सकता हूं, टू नहीं ले सकता क्योंकि टू आई के बराबर हो गया, मुझे जे की वही वैल्यूज लेनी है जो आई से छोटी है, ठीक है. तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, तो इन दोनों का सम क्या हो गया, आई प्लस जे कितना हो गया, आई प्लस जे हो गया थ्री. अच्छा, अब आई की वैल्यू बढ़ाता हूं, आई की अगली वैल्यू क्या होगी, फोर. अब जे की वो सारी वैल्यूज लीजिए जो फोर से छोटी हैं लेकिन टू की पावर्स में, यानी एक तो वन ले सकता हूं और एक टू ले सकता हूं, तो फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव, और फोर प्लस टू कितना हो जाएगा, सिक्स, ठीक है. तो ये हमारे काम का हो गया. इसी प्रकार से आई की अगली वैल्यू हो जाएगी एट, तो मैं जे की क्या वैल्यूज ले सकता हूं जो एट से छोटी हो पर टू की पावर्स में हो, तो वन टू फोर, तो एट प्लस वन कितना हो जाएगा, नाइन, एट प्लस टू कितना हो जाएगा, 10, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12. क्या ये समझ में आ रहा है? तो हम i प्लस j की वैल्यूज प्रिंट कराते जाएंगे, और कब तक प्रिंट कराएंगे, जब तक n नंबर्स हम प्रिंट ना करा लें. तो सिंपल सा लॉजिक हो गया. तो i और j दोनों ही 2 की पावर्स में है, तो पहले मैं एक लूप लगाता हूं, और इसके लिए मुझे एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा i, और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा j, ठीक है. ओके, अब यहां पर एक लूप लगाते हैं, फॉर आई की वैल्यू टू से स्टार्ट करो, और
इसी समय जे की वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देता हूं वन से, कंफ्यूजन होगा आपको, वैसे मैं लिख सकता हूं यहां जे असाइन वन, ठीक है, पर अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो चलिए यहां नहीं लिखता हूं, मैं अंदर लिख दूंगा। और कब तक चलाऊं, जब तक n की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, तो n लिख दिया मैंने, n अगर नॉन जीरो होगा तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। n क्या है, टोटल नंबर्स कितने प्रिंट कराने, और n जब भी मैं वैल्यू प्रिंट करा दूंगा तो एक डिक्रीमेंट कर दिया करूंगा, ओके। और इंक्रीमेंट कैसे होगा, i की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, i इंटू टू, यानी आई में टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले टू है तो फिर फोर हो जाएगा, फोर के बाद एट हो जाएगा, एट के बाद सिक्सटीन हो जाएगा, लाइकवाइज। और जे की वैल्यू फिर से वन हो जानी चाहिए। अच्छा इसके अंदर आ जाते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, मैं एक और फॉर लूप लगा देता हूं, यहां जे की वैल्यू वापस वन से स्टार्ट करूंगा, और जे की वैल्यू लेस देन आई तक चलाना चाहता हूं, और जे में कैसा इंक्रीमेंट होना चाहिए, जे में भी सेम उसी स्टाइल में इंक्रीमेंट होगा, जे असाइन जे इंटू टू। आप देख रहे हैं कि आई की वैल्यू भी टू की पावर्स में चल रही है, पर स्टार्टिंग वैल्यू टू से स्टार्ट हो रही है और जे की वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है, बस इतनी फर्क है, ओके। अब ये जे वाले लूप में क्या लिखना है, तो पहले तो मैं प्रिंट करा देता हूं किसको, आई और जे के सम को, आई प्लस जे, क्योंकि i और j टू की पावर्स में ही, ओके। और क्या कराना है, प्रिंट हो गया है तो n को एक डिक्रीमेंट भी करा दो, और ये चेक भी कर लो कि यदि n की वैल्यू जीरो हो चुकी है तो ब्रेक कर दें, ब्रेक कर देंगे तो इस लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे और बाहर से फिर i वाले लूप पे पहुंच जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, अगर एन की वैल्यू जीरो हो चुकी है तो ये फॉल्स हो जाएगा और लूप एंड हो जाएगा। अच्छा अगर एन की वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या होगा, एन की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये जे वाला लूप चलता रहेगा, ठीक है ना, जब तक आई से छोटा है जे तब तक ये चलता रहेगा, ओके। तो ये जो हमने लॉजिक अभी सोचा था, इसी लॉजिक को हमने इंप्लीमेंट किया, हमने आई की वैल्यूज टू से स्टार्ट करी और टू की पावर्स में ली, जे की वैल्यूज भी वन से स्टार्ट करी और टू की पावर्स में ली, लेकिन आई से छोटी वैल्यूज को ही लिया। तो ये लॉजिक आई होप जो रेड कलर में आपने देखा वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने नंबर एंटर किया 10, तो पहले 10 नंबर प्रिंट होने चाहिए, और 10 नंबर कौन से हैं, तो 10 नंबर ये रहे 3, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 24, ठीक है। अभी आप और ज़्यादा नंबर्स प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे पहले 25 नंबर्स बताओ, तो ये पहले 25 नंबर्स हैं जिनमें दो ही बिट वन होती हैं, आप देख सकते हैं, कट इट। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है, और शायद कई लोगों को ये पिछले वाले लॉजिक से थोड़ा बेटर भी लगे, क्योंकि इसमें हम एक्सप्लोर हर एक नंबर को नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को कर रहे हैं जो हमारे काम के, तो ये थोड़ा सा एफिशिएंट प्रोग्राम है पिछले लॉजिक के कंपैरिजन में। अब यदि ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यदि आप चाहते हैं इस तरह के और वीडियोस आप देखें। तो जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysurgy.com को जरूर से विजिट करें, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको C++, Java, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। ध्यान रखिए YouTube पे मेरे एक से अधिक चैनल हैं और उन सब पे कई सारे वीडियोस रखे हुए हैं, तो आप पर्टिकुलर चैनल देख रहे होंगे तो आपको कई सारे वीडियोस नहीं दिख रहे होंगे। इस वेबसाइट पे आएंगे आपको सारे वीडियोस दिखेंगे, उनके लिंक्स प्रॉपर दिखेंगे, सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके अलावा डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, वीडियोस हिंदी में है। केवल वीडियोस ही नहीं, इस साइट पे आप आएंगे तो और भी कुछ कंटेंट मिलेगा आपको, जैसे कि कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलते हैं, या प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो बहुत सारा स्टफ है। आप इसको रेगुलरली विजिट करिए क्योंकि इसमें डेली नया कंटेंट आ रहा है। अब अगर आपको लगे कि इस तरह की वेबसाइट बहुत काम की है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वेबसाइट के बारे में बताएं ताकि उन लोगों को इसका फायदा मिल सके। आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर कर सकते हैं, आपको सिर्फ इस वेबसाइट का लिंक ही पोस्ट करना है, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों को बता सकते हैं या मौखिक रूप से बता सकते हैं। थैंक यू।